इस बीच दिल्ली के नरेला से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है दिल्ली के नरेला से, प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की इस वक्त खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग की जानकारी मिल रही है। मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन राहत बचाव टीम की तरफ से किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या वजह बताई जा रही है, किस वजह से ये आग लगी है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कितने लोग मौजूद थे? अरुण, रुकना चाहूंगी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो नरेला की प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, हालांकि अभी कारण क्या है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआती जांच के तहत ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट शायद इसकी वजह रही होगी। फिलहाल कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए, लोगों को बचाया जाए, उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता का। अरुण, जरा पूरी अपडेट जानकारी दें। जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9:35 पर ये फायर ब्रिगेड को कॉल आई थी। नरेला देवी क्षेत्र में ये एक प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है उसमें ये आग लगने की घटना सामने आई थी और ये अभी जो आग लगने का जो मुख्य कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर इतना कहा जा रहा है कि शायद ये जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 2-3 लोग और फंसे होने की जो है संभावना है, मगर उनको भी निकाला जा रहा है वहां से। और अभी कितना समय लग सकता है आग पर काबू पाने में, क्योंकि 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा फैल चुकी होगी। तो ऐसे में अधिकारी क्या कह रहे हैं और कितना समय लगेगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आग पर काबू पाने में? जी, अभी जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस आग पर काबू पा रहे हैं और लगभग काबू पा लिए, थोड़ा बहुत जो है वो अभी उसका असर है आग का। और 10 गाड़ियां लगी हैं तो आप समझ सकते हैं प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है वो थी, प्लास्टिक में आग लगती है तो इतना जल्दी वो उसको शांत भी नहीं कर पाती, इसलिए 10 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी है पानी की, फायर ब्रिगेड की, इसको बुझाने के लिए। तो बचाव दल का कार्य चल रहा है तो जल्द ही ये जो है आग पे काबू पा लिया जाएगा और जो लोग अंदर फंसे होने की जिनकी आशंका है उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी कुछ लोगों के और फंसे होने की आशंका है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी चलाया जा रहा है। जानकारी है कि 3 लोगों को बाहर निकाला गया है।